जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। कहां बैठे हो तुम लोग? 6 महीना सूर्य नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो 6 महीना और जीवन ना बदले। जय हिंद फ्रेंड्स। सर स्टडी में मजा कैसे आएगा? जैसे प्रेम करने में मजा आता है, जहां कंसेंट्रेट हो जाओगे वहां मजा आएगा। जैसे जब स्त्री का हाथ पकड़ रहे हो तो दिमाग से विचार गायब हो गए, तभी वही तो मजा है। मजा क्या है? विचार शून्यता। जो विचार शून्यता पैदा कर दे वही मजा। तो पत्थर की स्त्री पकड़ी लेकिन विचार चल रहा है तो वो मजा नहीं दे रही है, लेकिन जिंदा स्त्री पकड़ी तो विचार गायब, खो गया स्त्री में। ऐसे जिस दिन किताब पकड़ोगे और विचार गायब, सिर्फ किताब दिखाई पड़ेगी, यहां पिक्चर बनेगा, उस दिन मजा आने लगेगा। यही मजा का कॉन्सेप्ट है। और मजा थोड़ी है, जैसे अध्यात्म की शक्ति देखो बाबा प्रेमानंद महाराज को। वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। किडनी फेलियर और वो आदमी के अंदर इतनी चमक, वो आदमी अब नहीं है। जैसे जब बुद्ध वसुंधरा से मिलने गए अपने घर गए तो उनके पिताजी मिले तो कहे सिद्धार्थ मैं तुमको सिंहासन अभी भी दे सकता हूं। कहे बाबूजी अब सिद्धार्थ है ही नहीं, अब जो आदमी आप देख रहे हो वो बिल्कुल अलग आदमी है। ऐसे वो जो वृंदावन में आदमी बैठा हुआ है ना वो कोई इंसान नहीं है, वो इंद्रियों से, वो जो इंद्रियों वाला आदमी था उस शरीर के अंदर वो जा चुका है। अब शुद्ध चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का रूप महाराज प्रेमानंद। मैं तो यहीं से कनेक्ट कर लेता हूं बाबा जी से। मैं सोचता हूं इतने बड़े बड़े लोग जाके उनको परेशान करते हैं, मैं क्या जाऊं उनसे मिलने। मैं यहीं से आंख बंद करके उनसे 5 मिनट कनेक्ट कर लेता हूं कि गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आप संसार और समाज का भला कर रहे हैं, करते रहें, हमारे लायक कभी कोई सेवा हो तो हमको आदेश जरूर करें। जिसको भी जीवित भगवान देखना है वो प्रेमानंद जी महाराज जी को देख ले, दिखाई पड़ना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति दिखाई पड़नी, देखो दिखाई पड़ रही महाराज प्रेमानंद में। जब माइंड सारा काम तुम्हारे मन को करना है, एवरीथिंग इज डन बाय योर माइंड, सब कुछ जो भी तुम्हारे जीवन में क्रूशियल है पढ़ना है मन से, वर्शिप करना है मन से, वॉर करना है मन से, लव करना है मन से, सब कुछ मन से गवर्न हो रहा है। तो अगर हम इसको अलाइव कर लें, अलाइव, तो हम जो भी करेंगे वो एक्सेलेंट करेंगे, स्टैंडर्ड। मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं कि भैया मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। जानवर नहीं कर सकते, एक्चुअली जानवर एम्बिशियस भी नहीं होते। कोई कुत्ता जंगल का राजा नहीं बनना चाहता, कोई जिराफ जंगल का राजा बनना नहीं चाहता, कोई हाथी जंगल का राजा नहीं बनना चाहता। शेर है तो है, जंगल में चुनाव नहीं होते,
इंसान में सब राजा बनना चाहते हैं सब, और 50 तरह का स्ट्रेस ले रखा है, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, लोग नहीं फेल हो गए तो भी कहेंगे, लोगों ने किसी को माफ किया है? इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले आओ जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे, एक साल की बात होती है, और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते, आइसोलेट करो अपने आप को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट किया 1787 से 1850s तक, आइसोलेट कर लो एक लंबे समय, जब साधना करो, प्रिपरेशन क्या है, साधना ही तो है, कोई डिस्टर्बेंस, जीरो नॉनसेंस, अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते, अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता, कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6,000 रुपए का। मुकेश अंबानी साहब की वो कंपनी है जिन्होंने खरीदी ब्रिटेन से हैमलेस, वहां से टेडी बेयर कैसे खरीदेगा 4,000 रुपए का, एक गुलाब का बंच 10,000 रुपए का, येलो रोजेस, कि मेरा लाल खून निकालकर मुझे पीला कर देना, जॉन्डिस का सिम्टम होता है ना, मतलब शरीर कमजोर हो चुकी है, रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है, सूरज भगवान है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, दिमाग को स्ट्रीमलाइन रखो, स्ट्रांग रखो, इमेंस पोटेंशियल, इमेंस, सूर्य नमस्कार करो 20 मिनट पर डे, और ध्यान करो, पता ही आम आदमी कौन है, ये आम आदमी वो है जिसको जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस उसी की कीमत है, उसको तुम भगवान कहो, इसीलिए जितने बड़े बड़े पद पे लोग हैं उनको पब्लिक से बहुत दूर रहने की सलाह दी जाती है कि ज्यादा मत मिलो, डीएम से कहा जाता है ज्यादा मत मिलना बेटा, डेली निकलोगे इज्जत खत्म, महीने, दो महीने, तीन महीने, छह महीने एक पब्लिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भैया डीएम साहब आए थे, और डेली गए तो गए, ये आम आदमी यही है, कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में, अच्छा तो रिक्शे वाले को कौन करता है, सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में तो रिक्शे वाले को कौन करता है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है इस जीवन में, जरूरी है शक्ति, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है, क्या करोगे इज्जत का, शक्ति है जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा, शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है, कुछ बाबूजी समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, हैं? बताओ, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, कहां बैठे हो तुम लोग,
6 महीना सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो 6 महीना, और जीवन ना बदले छह महीना सूर्य नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो 6 महीना। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल? बस 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, 30 होगी? बस जवानी युद्ध करने के लिए होती, द्वंद करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जवान है ही नहीं।